सो गाइस, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग मैंने अपनी स्कूल टाइम पे बनाई है एंड दिस इज़ माय फेवरेट आर्ट। आई लव ड्राइंग, मुझे को ड्राइंग करना बहुत पसंद है और ये उस टाइम पे मैंने बनाई थी। अब देखिए कैसी लग रही है। जब मैं बहुत छोटी थी स्कूल टाइम पे, आई थिंक ये मैंने 8th या फिर 9th क्लास में बनाई है, आई डोंट नो 7th था या 8th थी, पता नहीं कौन सी क्लास थी। सो ये मैंने तब बनाई थी एंड ये ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। आप देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, कैसी लगी आप लोगों की पेंटिंग। ये मेरी क्रिएशन है। स्कूल टाइम पे मैंने ये क्रिएट की थी पेंटिंग एंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, और इसको मैंने ऐसे सजा के रख दिया है एंड मैं इसको ऑलवेज अपने साथ ही रखती हूँ। ये मेरे रूम में ही है, इस टाइम मैं अपने रूम में हूँ। ये मेरे रूम में ये कलर का पेंट हुआ हुआ है, या मैंगो कलर, मैंगो एंड मतलब मेरा फेवरेट फ्रूट भी मैंगो है। फेवरेट फ्रूट मैंगो और भी हैं, बहुत सारे हैं। सो मैंगो उनमें से एक है, फेवरेट में से एक है, वन ऑफ माय फेवरेट। सो अभी हम करने जा रहे हैं, अभी मैं सबसे पहले वन ग्लास वाटर ड्रिंक करने वाली हूँ, लेने वाली हूँ। एक ग्लास पानी लेना है अभी मुझे एंड सो उसके बाद मुझे फ्रूट्स खाने हैं एंड चलिए देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे अभी मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सब बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसकी बोलूँगी तो सबको सुनाई देगा और सब मेरी तरफ देखने लगे। सो अभी इस रूम में लाइट मैंने बंद की हुई है, ये जो इतना सनलाइट आ रही है उसी की ही इफ़ेक्ट है मेरे फेस पे, जो भी है उस तरफ से आ रहा है एंड इस साइड से भी आती है। सो दोनों साइड से आती है, मिड से भी आती है। सो अभी मैं एक गिलास पानी पी चुकी हूँ एंड ये मैं सभी को कहती हूँ कि हर कोई एक गिलास पानी मॉर्निंग में ज़रूर लें। एंड ये मेरा आई डोंट नो कि मैं इसी मेरा सेकंड पार्ट में रहेगा या फिर वही पार्ट में कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं कितनी लंबी वीडियो होती है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं पार्ट में जो है कट करूँगी। सो अभी हम फ्रूट्स खाएंगे गाइस, अभी फ्रूट की बारी आ गई है। सो एक ग्लास पानी में पी चुकी हूँ एंड अब मैं फ्रूट्स खाने वाली हूँ। सो मैं मॉर्निंग में खा रही हूँ ये एप्पल, एप्पल बहुत अच्छा होता है एंड अभी सीज़न है तो आपको डेफिनेटली खाना चाहिए एंड एक एप्पल तो ज़रूर खाना चाहिए हर किसी को मॉर्निंग के टाइम पे। सुबह सुबह आप खाते हैं तो आपका जो पूरी बॉडी है ना वो एकदम एनर्जाइज हो जाती है एंड डेफिनेटली एप्पल जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो चलिए अब एप्पल खाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखते हैं क्योंकि ये कटे हुए हैं तो इनको फटाफट से खा लेते हैं। कटा हुआ जो फ्रूट है वो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए आपको। सो चलिए खाते हैं।
किचन में हूँ एंड यहाँ पे अभी बनने वाला है, आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। सो राजमा राइस बनने वाले हैं। सो राजमा कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड अगर आपको पसंद आए ये वाली रेसिपी तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। इस टाइम पर मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है तो फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो कढ़ाई है उसके अंदर तेल ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था मम्मा ने, तो मम्मा ने कहा कि ये वाला तेल लगा के डाल देना, इससे बना देना। मैंने कहा ठीक है। एंड पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं, बट आ रही होगी आई थिंक। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे सब लोग होते हैं, मैं तेज़ नहीं बोल सकती हूँ इतना। सो इसके अंदर जो तेल हमने डाला है वो सरसों का तेल तेल डाला है। तो ये अभी गर्म हो रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको सरसों का तेल डालना है, क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ कितनी क्वांटिटी, अराउंड थ्री चमचे होते हैं ना वो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला साइज़, ये वाला आप तीन चमचे डाल सकते हैं। ये वाला साइज़ है, मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ चमचे का। चमचे का साइज़ दिखा रही हूँ, ये वाला है। सो गाइस शोर हो गया थोड़ा सा कम एंड यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, 5 टमाटर ले लिए हैं। मैंने अभी गैस बंद कर दी है, मेरा जो तेल है वो उबल चुका है। अगर आपके पास सरसों का तेल उबला हुआ है तो उबालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गर्म करके उसमें डाल सकते हैं। अगर उबला हुआ नहीं है तो आपको उबालना पड़ेगा, उसके बाद आप डालेंगे। अदरवाइज सरसों की महक आती है उसके अंदर जो कि कच्चे तेल की महक होती है और अच्छी नहीं लगती, तो उबालना बहुत ज़रूरी है। ये एक टिप थी सभी के लिए, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो डेफिनेटली इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड मुझे खाना बनाना कैसे आता है ये सब कमाल है मेरी मम्मा का, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मम्मा एंड उन्होंने मुझे सिखाया है तो मुझे आता है बनाना। एंड अभी यहाँ पे मैंने ये 5 टमाटर हैं इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 प्याज ले रही हूँ एंड मैं आपको क्वान्टिटी दिखाती हूँ राजमा की कितनी है। आई थिंक हमने राजमा 1.5 कटोरी लिए हैं, मम्मा ने भिगोने हैं तो मैं बताती हूँ कि कितने हैं। वेट मैं रुकी है, मम्मा से पहले बता दूँ कि ये जो 2 प्याज इसको हम काटेंगे, काटने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस देंगे, ठीक है, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम टमाटर को काट के अगेन उसको भी हम एक पेस्ट बनाएंगे, तो दोनों का पेस्ट रेडी करेंगे अलग अलग। सो पहले हम प्याज का पेस्ट रेडी करेंगे क्योंकि वो पेस्ट हमें डालना है हमारी कढ़ाई के अंदर और उसको हमें अच्छे से भूनना है। और किस किस के साथ भूनना है आपको बताती हूँ, हमें भूनना है धनिया के साथ और थोड़ा सा गर्म मसाले के साथ प्याज का पेस्ट जो भूनना है। भूनना कैसे है, कलर कैसे आएगा भूने हुए का, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी।
एंड अभी हम इसको चॉप्ड कर लेते हैं और प्याज और टमाटर को, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। प्याज हो गई है यहाँ पे कट, एंड प्याज कट होने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, सो दैट कि अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्राइंड हो जाए, अच्छे से पिस जाए मिक्सी में। एंड इसलिए इसको थोड़ा सा पानी के साथ हम मिक्स करेंगे, पीसेंगे एंड इसका एक पेस्ट बनाएंगे। सो अभी मैं इसको इसका एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी एंड उसके बाद हम सब्ज़ी रेडी करेंगे। सब्ज़ी रेडी करते टाइम आई थिंक कि मैं फटाफट रेडी करूँगी, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार बोल के नहीं बताऊँगी। सो गाइस, अब हम ये अनियन जो है ये इस तरह से देखिए पेस्ट बन गया है, एंड इस पेस्ट को अब मैंने गैस ऑन कर दी है एंड इस कलर में डालने वाली हूँ। इसको अच्छे से हम भूनेंगे इसके साथ, धनिए के साथ और गरम मसाले के साथ। सो गाइस, थोड़ी देर इसको बिना, सबसे पहले हम बिना उसके थोड़ा सा भूनेंगे, जब ये टाइट हो जाएगा ना इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा टाइट होने लगेगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया।
बताती हूँ। प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक वो जो प्याज है ना, वो जो आपने तेल डाला है ना, वो मतलब बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए, चिपके ना ऐसे हो। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। प्याज जो है अच्छे से भून चुकी है एंड अब उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। सो टमाटर के पेस्ट में मैंने साथ में क्या क्या डाला था, मैंने डाला था अदरक, थोड़ा सा अदरक डाला था और साथ में दो हरी मिर्च डाली थी। हो गया हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, साथ में मैंने क्या डाला, नमक डाला है, एक डेढ़ चम्मच नमक डाला है। ऑलरेडी जो कुकर में मैंने आपको दिखाया है जो हमने बॉईल करे हैं राजमा, सो उसमें ऑलरेडी पहले नमक डाल दिया था। रेडी होगी हमारी ग्रेवी। अब हम इस ग्रेवी को उस कुकर के अंदर ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम इसके अंदर जो है विसल्स लगाएंगे। सो आई थिंक दो या फिर एक विसल लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी राजमा जो है गल चुके हैं, तो एक विसल बहुत है। और अगर आपके जो है राजमा गले नहीं होते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़े से खड़े हुए हैं, तो आप दो भी लगा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। बट यहाँ पर राजमा गल चुके हैं अच्छे से, तो हम एक ही लगाएंगे। और राजमा के अंदर हमने जब इसको बॉयल लाइक इसको आपको नाइट में भिगो के रखना होता है एंड नमक डाल के सोडा डाल के इसको भिगो के रखना होता है, सो दैट ही अच्छे से फूल जाए एंड ईजिली गल जाए नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इनको कुकर में शिफ्ट करके देख के थोड़ा सा छांट के, मतलब कोई गंदा तो नहीं है राजमा, इस तरह से देख के छांट के एंड उसके बाद उसको शिफ्ट करना होता है कुकर के अंदर धोकर। एंड उसके बाद हम इसके अंदर अगेन नमक और थोड़ा सा हम सोडा डालते हैं, सो दैट कि अच्छे से जो है ये उबल मतलब अच्छे से गल जाए। एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे डाला तेजपात का पत्ता और मोटी इलायची डाली है यहाँ पे, सो उसका एक अपना ही फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, तो उसको हम एक टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए डालते हैं राजमा में, जो कि अभी आपको दिख चुका होगा। एंड अब हम यहाँ पे ग्रेवी जो है ऐड करने वाले हैं राजमा के अंदर एंड उसके बाद एक सीटी लगाएंगे, विसल लगाएंगे एंड साइड में मैं यहाँ पे राइस के लिए रेडी, राइस मुझे तैयार करने हैं, तो राइस को मैं यहाँ पे भिगो के रख दूँगी कुकर के अंदर ही। तो एक गिलास राइस बना रहे हैं हम, क्योंकि हम रोटी भी खाएंगे साथ में, तो एक गिलास राइस इनफ है, थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे। तो एक गिलास चावल बना रहे हैं, सो ग्लास के अकॉर्डिंग जो है वो क्वांटिटी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप एक गिलास चावल बना रहे हैं तो एक गिलास चावल है तो डबल पानी जाएगा, लाइक दो गिलास पानी गिरेगा, ठीक है। अगर दो गिलास है तो तीन गिलास पानी गिरेगा, ठीक है। तो एक गिलास ऑलवेज ज़्यादा, डबल नहीं सॉरी, एक गिलास ज़्यादा होता है ऑलवेज पानी। जैसे एक गिलास है तो दो गिलास हो गया, अब दो गिलास है तो चार गिलास पानी नहीं डलेगा, तीन गिलास ही डलेगा। तो एक गिलास पानी जितने भी आपने चावल लिए हैं उसके बाद आपको एक गिलास पानी ऐड करना होता है,
ठीक है। अगर आपने आधा ग्लास लिया है चावल तो एक ग्लास पानी डलेगा, समझ आया आपको? नहीं आया दोबारा से बताते हैं। एक ग्लास चावल है तो दो ग्लास पानी, ठीक है, दो ग्लास चावल है तो तीन ग्लास पानी, एक एक बढ़ जाएगा, जितने आप चावल की क्वांटिटी ले रहे हैं उसमें एक ग्लास पानी ऐड हो जाएगा और, ठीक है, मतलब दो ग्लास आपने चावल लिए तो दो ग्लास पानी तो हुआ ही, साथ में एक ग्लास और ऐड हो गया। ऐसे ही जितने भी आपको लेने हैं, अगर आपको तीन ग्लास चावल बनाने हैं तो चार ग्लास पानी। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड अब तो समझ आ ही गया होगा, इतना डिटेल में बता दिया मैंने, है ना, समझ आ गया होगा। सो इस तरह से आप पानी ऐड करेंगे, एंड उसके बाद चढ़ाने से पहले, चावलों को चढ़ाने से पहले आपको क्या करना होता है, उसके अंदर आप जो देसी घी होता है वो डाल दें, सो दैट कि चावल खिला हुआ बनता है, अलग अलग बनता है, चिपकता नहीं है। सो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी बस मैं वही करने जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए फटाफट से। सो इस गैस को हल्की सी सिम कर देंगे, ज़्यादा सिम नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की, जो तेज़ लेवल होता है ना गैस का उसको हल्का सा कम कर देंगे, बस बिल्कुल सिम नहीं करेंगे, हल्का सा माइल्ड सा कम करेंगे। एंड अब चावल मैं फटाफट से कर देती हूँ, एंड मैं वीडियो यहीं पर, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी राजमा की रेसिपी। अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर कहते हैं क्लोज से बनाऊँगी, सो जिसमें आपको खाली कहते हैं ना रेसिपी दिखेगी, मैं नहीं समझ आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो गाइस मैं ये वाला ग्लास भी बो रही हूँ, आप जो भी ग्लास भी बोते हैं ना, तो बस मात्रा एक ग्लास ज़्यादा होनी चाहिए पानी की, एक ग्लास राइस सो दो ग्लास पानी, समझ गए? ट्रैपर मेरा वही किचन में रखा था, हम उसके बाद में शूट नहीं कर पाए, तो अभी हम चल रहे हैं स्टूडियो रूम में, तो चलने चलते हैं।
स्टूडियो रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ, एक्चुअली ट्राइपॉड जो था वो रखा हुआ था किचन में ही, क्योंकि लास्ट मैंने शूट किचन में किया था। एंड उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आई हूँ जस्ट, एंड अलमीरा ऐसी खुली हुई है, ओह माय गॉड। सो अभी मैं अलमीरा को पहले बंद करती हूँ एंड उसके बाद मैं ये लगाती हूँ ट्राइपॉड पे। एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी क्या होने वाला है, एंड मैं ये वीडियो यहीं क्लोज़ करूँगी आप लोगों से बात करने के बाद, एंड मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो आई होप आप लोग को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर करिए गाइस, ज़रूर, ठीक है। एंड चलिए मैं एक मिनट लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे, उसके बाद आप लोगों से। फाइनली स्टूडियो रूम में आ गई हूँ, ट्राइपॉड में यहाँ ले आई हूँ, एक्चुअली किचन में था जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। एंड अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक्चुअली हमारा शाम के टाइम प्लान था कि हम मार्केट जाएंगे, जैसे कि आज मंडे है, सो प्लान था कि मार्केट वगैरह जाएंगे, मंडे मार्केट लगती है। सो बट एक्चुअली जा नहीं पाए क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे, एंड सो उनका वेलकम करना बहुत ज़रूरी है और उनको अच्छे से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो गेस्ट मेहमानों को एक बहुत अच्छी आप लोगों को वेलकम देना चाहिए। सो उन लोगों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को उन लोगों के साथ, एंड हमने मज़े किए उन लोगों के साथ, बात वगैरह की, चिट चैट की उन लोगों के साथ, एंड बड़े मज़े आए। बहुत टाइम बाद आए थे तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़े आए क्योंकि काफ़ी टाइम से आए नहीं थे एंड बहुत दिनों बाद आए। बस अभी वही सब हुआ, चाय वगैरह हो गई शाम की उन लोगों के साथ ही, एंड प्लान था, मैं सोची थी कि थोड़ा सा व्लॉग और मार्केटिंग हो जाएगी तो मार्केट वगैरह का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में भी हम नेक्स्ट मंडे जाएं, सो जब भी जाएंगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगी मार्केट का व्लॉग। एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को राजमा की रेसिपी कैसी लगी, आप लोग को समझ आई नहीं आई वो भी मुझे बताएं, राइस बनाने आप लोग को समझ आए नहीं आए वो भी मुझे बताएं। मैं आप लोग को सबसे ईजीएस्ट जो मेथड होता ना वो बता रही हूँ, एंड इस ईजीएस्ट मेथड में सबसे ईजी तरीका है और सबसे डिलीशियस बनते हैं, सीरियसली एकदम बहुत ही। आपने खुद देखा कि राजमा की जो कहते हैं ना शक्ल थी, सबसे पहले मैं टेस्ट से पहले आप लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है फूड में मुझे बताइएगा, मैं बताती हूँ मुझे क्या अट्रैक्ट करता है सबसे पहले, कहते हैं ना मुझे सबसे पहले मतलब टेस्ट से पहले खाने की शक्ल, ठीक है, एंड उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो अट्रैक्ट करती है बेसिकली, आई थिंक सभी को यही करती है क्योंकि ये दो चीज़ सबसे पहले आती हैं, उसके बाद टेस्ट आता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको देखने में नहीं अच्छी लग रही है, फ्रेग्रेंस भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट स्टिल वो खाने में अच्छी होती है, ऐसा भी होता है समटाइम्स। तो कौन किस किस के साथ होता है ऐसा और किसके साथ हुआ है ऐसा प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। और अभी फाइनली हम व्लॉग अपना ख़त्म करेंगे यहीं पर क्योंकि मैं अभी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया है, मैं रात में व्लॉग नहीं करूँगी, मैं रात में शूट करूँगी बैठकर, जो मुझे मेरा वीडियो शूट करना है वो मैं बनाऊँगी। आज अभी हम रात को सोचे हैं कि आलू प्याज की सब्ज़ी बनाएं। आलू प्याज की सब्ज़ी किस किस को आती है और कौन खाने में किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे बताएं। और कई लोगों को तो बहुत वियर्ड लगती है आलू प्याज की भी कोई सब्ज़ी होती है, आलू प्याज देखिए सारी सब्ज़ियाँ आलू प्याज से मिलकर ही बनती हैं, बट जो ये सब्ज़ी है ये तरी वाली होती है, आलू प्याज की सब्ज़ी होती है बेसिकली, तो बहुत अच्छी होती है, मेरी फेवरेट है ये, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर आप यही खिला लो तो मुझे मैं खा सकती हूँ बहुत सिंपल सोबर सी सब्ज़ी है और बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, प्याज का जो एक अपना कहते हैं ना तड़का होता है, तड़का नहीं लगता है इसमें प्याज का, इसमें जीरे का तड़का, जीरे का भी नहीं लगता आई थिंक इसमें, मैं खुद ही भूल गई हूँ, इसमें जीरे का तड़का नहीं लगता है, देखिए लगाने को आप लगा सकते हैं जीरे का तड़का,
जीरे का तड़का लगता है, और बिना जीरे के तड़के के भी आप खाली मसालों के तड़के से ही सब्जी को बना सकते हैं क्या। सो बहुत टेस्टी बनती है, मैं खुद भूल गई थी, मतलब मैं बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि यार मैं खुद भूल गई। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है क्योंकि कई सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है ना, कभी वीडियो शूट करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी घर, कभी स्टडी, कभी ये कभी वो, तो बस ऐसे ही होता है। सो आज का ब्लॉग किस किस को पसंद आया प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सबसे बड़ी बात है सपोर्ट कीजिए। आपको अगर कोई चीज़ किसी की पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को सपोर्ट कीजिए। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग। सो चलिए यहीं पर हम बंद करते हैं अपना ब्लॉग, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए तो बाय एंड स्टे ट्यून विद मी, बाय। Bye.